हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का सबसे फर्स्ट रूल होता है पार्टिसिपल का यूज करके। अगर हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें सबसे पहला रूल होता है पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसके लिए हमें पार्टिसिपल जानना होगा, और ये पार्टिसिपल जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, और इसका पहचान हम है हो है, था थी थे या फिर चुका चुकी चुके से नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान कुछ सिचुएशन के अनुसार होता है। तो इसका हम पहला सिचुएशन जान लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और इसका यूज हम कहां पे करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कोई सिचुएशन होता है, अगर वो सिचुएशन सेंटेंस में है तो यानी कि वो सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बनेगा। तो पहला इसका सिचुएशन होता है यदि एक साथ दो काम होता है, यदि एक साथ दो काम हो। अगर किसी भी सेंटेंस में एक साथ दो काम होता है और उस काम को करने वाला व्यक्ति एक ही हो, तो यानी कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रही थी, तो यानी कि वह बिस्तर पर लेटी भी है और टीवी भी देख रही है, इसमें एक साथ दो काम होता है। और इसका दूसरा सिचुएशन होता है, जो दूसरा काम इसमें होगा, दूसरा काम पहले पर डिपेंड होता है, पहले पर निर्भर होता है। दैट मीन्स कि अगर पहला काम नहीं होता तो दूसरा काम भी नहीं हो पाता। इसमें जो दूसरा काम है वो पहले काम पर निर्भर होता है। जैसे बाजार जाकर मैंने सब्जी खरीदा, तो ना बाजार जाते और ना सब्जी खरीदते, यानी कि अगर बाजार जाने का काम नहीं होता तो सब्जी खरीदने का भी काम नहीं होता। तो जब दूसरा वाला काम पहले काम पर निर्भर रहेगा तो यानी कि उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बनाएंगे। और तीसरा इसका यूज होता है कारण या फिर वजह का बोध होने पर, कारण का बोध होने पर। जैसे कह सकते हैं कि अंधा होने के कारण वह देख नहीं सकता है, बहरा होने के कारण वह सुन नहीं सकता है, या फिर भूख लगने के कारण मैंने खाना खाया, प्यास लगने के कारण मैंने पानी पिया, और थका होने के कारण मैंने आराम किया। तो ये सब इसमें कारण का बोध होता है, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आते हैं। और इसका चौथा कंडीशन देख लेते हैं, इसमें यदि किसी को कुछ करते हुए देखा या पाया जाए या फिर सुना जाए, तो वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के कैटेगरी में आता है। तो ये इसके पहचान होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। इसमें एक साथ दो काम होगा, और या तो दूसरा काम पहले काम पर डिपेंड होगा, या फिर कारण का बोध होगा, और या फिर किसी को कुछ करते हुए देखा या पाया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहला इसमें जो सिचुएशन बताया गया था, एक साथ दो काम होने पर, मान लेते हैं दो सेपरेट सेंटेंस है। जैसे पहला है ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर, तो फर्स्ट सेंटेंस है He was sitting in a chair. वह एक कुर्सी पर बैठा था। और सेकेंड सेंटेंस है He was reading a novel. तो इसमें दो सेपरेट सेंटेंस है, पहला है He was sitting in a chair और दूसरा He was reading a novel. That means वह एक कुर्सी पर बैठा था और वह उपन्यास पढ़ रहा था। तो यानी कि इसमें एक साथ दो काम हो रहा है, दोनों कामों को करने वाला व्यक्ति भी एक ही है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। तो हमें करना क्या है, अगर सेंटेंस में एक साथ दो काम हो रहा है तो इसको कंबाइन करना बहुत ही इजी है, बस केवल इसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा देना है। जब दो काम होगा तो दोनों काम जारी रहेगा,
दैट मीन्स दोनों में आई एन जी आएगा, दोनों वर्ब में। तो पहले जो जिस वर्ब में आई एन जी जुड़ा है बस वहीं से हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे सिटिंग आया हुआ है आई एन जी फॉर्म, तो ही और वाज को हटा देंगे, सिटिंग से स्टार्ट करेंगे जो कि जीरेंड फॉर्म है। तो सिटिंग इन अ चेयर, और इसके बाद जहाँ पे फुल स्टॉप है बस वहीं पे हमें कॉमा लगा देना है, और इसके बाद का जो पूरा सेंटेंस है सेम वैसे ही लिखा जाएगा, बस केवल जो इसका पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल से स्मॉल कर देना है। तो ये हो जाएगा ही वाज रीडिंग अ नॉवल। तो अब ये सेंटेंस कंबाइन हो गया कि सिटिंग इन अ चेयर ही वाज रीडिंग अ नॉवल, दैट मीन्स कि एक कुर्सी पर बैठे हुए वह उपन्यास पढ़ रहा था। और इसमें देखा जाए कि ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो दो पार्ट है, एक है सेटिंग से लेकर चेयर तक, तो इसमें गाइस सब्जेक्ट कोई नहीं है, सेटिंग इन अ चेयर इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, और इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब भी नहीं है क्योंकि ये सेटिंग जेरंड फॉर्म है और जेरंड नॉन फाइनाइट होता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो यानी कि ये एक फ्रेज है और एक क्लॉज है, और एक फ्रेज और एक क्लॉज को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनता है। तो ये पहला वाला जो कंडीशन मैंने बताया एक साथ दो काम होने पर, उस पर आधारित ये एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने कहा कि जब दूसरा काम जो होता है वो पहले पे डिपेंड होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, और दूसरा सेपरेट सेंटेंस ही बॉट मेडिसिन। तो ये दो सेपरेट सेंटेंस हैं, ही वेंट टू मार्केट ही बॉट मेडिसिन, वह बाजार गया उसने दवा खरीदा, यानी कि अगर वो बाजार नहीं जाता तो दवा नहीं खरीदता। तो इसमें जो दूसरा काम है दवा खरीदने का ये डिपेंड है बाजार जाने पे, यानी कि ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आता है। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से कंबाइन करेंगे। तो यहाँ भी हमें वही काम करना है कि सबसे पहले जीरंड फॉर्म का यूज करना है, और इसका पहला वर्ब जो है वो वेंट है, लेकिन जब आई एन जी हम ऐड करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में करते हैं, इसलिए इसको वेंटिंग नहीं करेंगे बल्कि इसका फर्स्ट फॉर्म पहले गो लिखेंगे और इसमें आई एन जी जोड़ेंगे। तो गोइंग, और इसके बाद गोइंग का ऑब्जेक्ट है टू मार्केट, ये हो गया गोइंग टू मार्केट। अब जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे हमें कॉमा लगा के और पहला वाला जो लेटर है उसको स्मॉल करके पूरा वैसे सेम नोट कर देना है, ही बॉट मेडिसिन। तो ये दूसरा जो हमने बताया था इसका कंडीशन कि जब दूसरा वाला काम पहले वाले काम पर डिपेंड होगा तो उसको कैसे कंबाइन करेंगे, ये उसका एग्जाम्पल था। तो इसमें भी हमें जीरेंड से स्टार्ट करना है, इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर कॉमा लगा के दूसरा वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज बना के उसको वैसे का वैसे नोट कर दिया जाएगा, बस केवल पहला लेटर जो है वो कैपिटल से इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अब जो तीसरा मैंने बताया था कि कारण का बोध होने पर, तो वो थोड़ा इससे डिफरेंट है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं है लेकिन देखने में लगता है कि डिफरेंट है। तो तीसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई वॉज टायर्ड, एग्जाम्पल है आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, आई टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, मैंने थोड़ी देर आराम किया। तो ये दो सेपरेट सेंटेंस हैं, और पहला सेंटेंस है आई वॉज टायर्ड यानी कि मैं थका था, दूसरा आई टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, मैंने थोड़ी देर आराम किया, अर्थात थका होने के कारण मैंने थोड़ी देर आराम किया। अब इसको हमें कंबाइन करना है, तो यहां भी सबसे पहले जीरेंड फॉर्म आना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें जो पहला वाला इसका पार्ट है, पहला जो सेंटेंस है इसमें वर्ब कौन सा है, पहले पार्ट में इसमें वर्ब कौन सा है, तो इसमें देखा जाएगा कि वाज इसका वर्ब है, वाज ही इसका वर्ब है। तो सबसे पहले हमें इस वाज का जो बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई एन जी जोड़ना होगा, और इज एम आर वाज वर्ब का बेस फॉर्म होता है बी, ये बी का ही सभी फॉर्म होता है, इज एम आर वाज वर्ब और बीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेस फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे, यानी कि हम बींग से स्टार्ट करेंगे, और ये ध्यान रखना है कि बींग का यूज हमें तभी करना है जब वाज के बाद और कोई वर्ब नहीं होना चाहिए। ये टायर्ड क्या है, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है टायर्ड, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है,
जब is, am, are, was, were के बाद कोई adjective होगा तभी हमें being से start करना है। तो सबसे पहले gerund form हो गया being और उसके बाद object लिखना है, object है tired, being tired और जहाँ पे full stop है वहाँ पे comma लगा देना है और दूसरा sentence वैसे note कर देना है, I took rest for a while और I कभी भी आई जो सब्जेक्ट होता है ये कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पे इसको कैपिटल ही करेंगे। ये हो गया बीइंग टायर्ड, आई टुक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, अर्थात थका होने के कारण मैंने थोड़ी देर आराम किया। यहाँ पे बीइंग टायर्ड को हम थका होने के नाते, थके होने के कारण, थके होने की वजह से, इस तरह से हिंदी सेंस निकाल सकते हैं। अब गाइज ये तीन सिचुएशन का तो मैंने एग्जांपल बता दिया, अब जो चौथा सिचुएशन है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये सभी सेंटेंस जो है जीरंड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगला जो चौथा वाला सिचुएशन बताया गया उसमें जो जीरंड जीरंड है आईएनजी फॉर्म है उसका यूज हमें सेंटेंस के बीच में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। तो अब उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज, जिसमें जीरंड का यूज हमें सेंटेंस के बीच में करना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल इसका मान लेते हैं, एग्जाम्पल है कि आई सा योर ब्रदर, आई सा योर ब्रदर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारे भाई को देखा, और दूसरा सेपरेट सेंटेंस है ही वाज स्मोकिंग एट द क्रॉसिंग। तो ये दो सेपरेट सेंटेंस है गाइस, पहला है आई सा योर ब्रदर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारे भाई को देखा, ही वाज स्मोकिंग एट द क्रॉसिंग, वह चौराहे पर सिगरेट पी रहा था। तो अब इसको हमें कंबाइन करना है, तो पहले इसको हिंदी में कंबाइन कर लिया जाए कि मैंने कल तुम्हारे भाई को चौराहे पर सिगरेट पीते हुए देखा, अब इसमें हुए आ जाएगा गाइस। तो हमें करना क्या है कि किसने किसको देखा ये चीज पहले लिखना है, अगर पाया रहेगा तो क्वेश्चन करेंगे किसने किसको पाया, सुना रहेगा तो किसने किसको सुना, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे गाइज। तो यहाँ पे सा आया मैंने कि देखने का काम हुआ, तो हम क्वेश्चन करेंगे किसने किसको देखा, तो आंसर मिलेगा मैंने तुम्हारे भाई को देखा, तो ये चीज हमें पहले लिख लेना है, ये हो जाएगा आई सा योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को देखा। अब इसके तुरंत बाद जैसे ही इतना पता चल जाए किसने किसको देखा, उसको लिखने के बाद फिर जीरंड फॉर्म का हमें यूज करना है कि क्या करते हुए देखा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्या करते हुए, तो क्या करते हुए, स्मोकिंग करते हुए, तो यानी कि ब्रदर के तुरंत बाद हम लिखेंगे स्मोकिंग। अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जो है एट द क्रॉसिंग, स्मोकिंग एट द क्रॉसिंग, और इसमें जो पहले सेंटेंस में यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ था गाइज, उसको हम सबसे लास्ट में ले जाके लिखेंगे क्योंकि इसका जो रूल है ये कहता है कि इसमें जो भी काम को करने वाला है सब्जेक्ट, यानी इसमें काम हो रहा है स्मोकिंग का, कौन कर रहा है, योर ब्रदर, तो काम को करने वाले और उस काम के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर कोई वर्ड आता भी है जैसे यहाँ पे यस्टरडे आ गया था, तो इसको हमें सबसे लास्ट में ले जाके रख देना है। तो काम को करने वाले दैट मीन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो गाइस और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जीरन का यूज हमें बीच में करना है। दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर सेंटेंस है कि आई सा अ बर्ड इन द स्काई ये पूरा सेंटेंस हो गया आई सा अ बर्ड इन द स्काई मैंने आकाश में एक चिड़िया को देखा और दूसरा सेंटेंस इट वाज फ्लाइंग वह उड़ रही थी आई सा अ बर्ड इन द स्काई इट वाज फ्लाइंग मैंने एक आकाश में एक चिड़िया को देखा वह उड़ रही थी। तो पहले इसको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा कि मैंने आकाश में उड़ती हुई एक चिड़िया को देखा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है कि किसने किसे देखा, तो आंसर मिलेगा मैंने एक चिड़िया को देखा, तो बस इतना ही हमें पहले लिखना है आई सा अ बर्ड। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे क्या करते हुए, फ्लाइंग करते हुए, उड़ते हुए देखा, तो यहां भी फ्लाइंग का यूज करेंगे तुरंत।
अब इसमें जो यहाँ पे पहले सेंटेंस जो भी बचा हुआ है इसको सबसे लास्ट में ले जाके रख देना है. इन द स्काई यहाँ पे बचा था तो इन द स्काई लास्ट में कर देंगे. अब ये सेंटेंस कंबाइन हो गया. आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई. मैंने आकाश में उड़ती हुई एक चिड़िया को देखा. तो गाइस इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके ऐसे दो सेपरेट सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं. अभी तो मैंने इसका केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया. इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके भी हम दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस